नमस्कार, मैं खुशी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। NIA का एक्शन, दाऊद गैंग की जानकारी देने पर नगद इनाम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वाले को नगद इनाम देने का ऐलान किया है। इसी के साथ NIA ने दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख जबकि छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। दाऊद ने हथियारों, विस्फोटकों, ड्रग और नकली भारतीय करेंसी की तस्करी के लिए डी कंपनी के नाम से गैंग बनाया है। डी कंपनी पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंकवादी हमले की भी प्लानिंग करती है। NIA ने इसी साल 3 फरवरी को दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और डाइगर मेमन के खिलाफ FIR दर्ज की थी। सस्ता हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर, 100 रुपए तक की हुई कटौती। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में कटौती की है। इंडियन ऑयल ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए तक की कमी की है। इस कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 1885 रुपए में मिलेगा, जबकि कोलकाता में यह 1995.50 रुपए में उपलब्ध होगा। मुंबई में इसकी कीमत 1844 रुपए और चेन्नई में 2045 रुपए रह गई है। इस तरह कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 91.50 रुपए, कोलकाता में 100 रुपए, मुंबई में 92.50 रुपए और चेन्नई में 96 रुपए सस्ता हो गया है। दूसरी ओर घरेलू LPG सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में आज से केवल सरकारी दुकानों पर मिलेगी शराब, पुरानी नीति के तहत होगी बिक्री। आबकारी नीति में बदलाव के बाद दिल्ली में आज से शराब की बिक्री सिर्फ सरकारी दुकानों से होगी। दिल्ली में शराब की निजी दुकानें बंद कर दी गई हैं और इसकी जगह दिल्ली सरकार की 300 से अधिक दुकानें खुलेंगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पुरानी आबकारी व्यवस्था बहाल करने के लिए जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में शराब की आपूर्ति सामान्य होने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। वहीं निजी दुकानों को जारी किए गए लाइसेंस वापस ले लिए गए हैं। दिल्ली सरकार के उपक्रमों DTTDC, DSSIDC, DSCSC और DCCWS की 700 से अधिक शराब की दुकानें खोलने का लक्ष्य दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में रतन टाटा की याचिका पर सुनवाई, राडिया टेप लीक को बताया था निजता का उल्लंघन। राइट टू प्राइवेसी को लेकर उद्योगपति रतन टाटा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया टेप लीक के बाद रतन टाटा ने वर्ष 2011 में प्राइवेसी के उल्लंघन को लेकर याचिका दाखिल की थी। रतन टाटा की ओर से दलील दी गई थी कि उनके फोन कॉल बाहर लीक किए जा रहे हैं, जो आर्टिकल 21(2) के खिलाफ है। वर्ष 2011 में इस मामले की सुनवाई के दौरान टाटा के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से मांग की थी कि टेप पर रिकॉर्ड बातचीत की आयकर विभाग के महानिदेशक ने जांच की है, उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए जिससे वह इस मामले में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं पर कानूनी कार्रवाई कर सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पहुंचे PM मोदी, गणपति बप्पा की आरती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पहुंचे और भगवान गणेश का आशीर्वाद मांगा और आरती की। इस दौरान प्रधानमंत्री नारंगी रंग के कुर्ते और सफेद धोती में नजर आए। उनके कंधों पर चमकीले नारंगी रंग का अंग वस्त्रम भी था। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और व्यवसायिक सुनील भारती मित्तल भी वहां पूजा में शामिल हुए। गणेश पूजा की तस्वीरें शेयर करते हुए PM मोदी ने लिखा कि भगवान श्री गणेश की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। इससे पहले PM मोदी ने कामना की दया और भाईचारे की भावना हमेशा बनी रहे। PM मोदी ने संस्कृत का एक श्लोक शेयर करते हुए लिखा कि गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, हथियार लेकर पहुंचे ईरानी विमान पर दागी मिसाइलें। इसराइल ने देर रात सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। इसराइल ने पहला हमला अलेपो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया, जहां हथियार लेकर पहुंचे ईरान के विमान को निशाना बनाया गया। इसके बाद इसराइल ने दूसरी एयर स्ट्राइक दमिश्क एयरपोर्ट के पास की और मिसाइल दागी। सीरिया की न्यूज एजेंसी सना के अनुसार इसराइल ने 4 मिसाइलें दागी जिससे एयरपोर्ट पर भारी नुकसान हुआ है। द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके पहले 14 अगस्त को इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और टार्टस के पास हवाई हमला किया था। इस हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई थी और 3 सैनिक घायल हुए थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम घोषित, भारत में सीरीज नहीं खेलेंगे वार्नर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की घोषणा कर दी है। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में खेला जाना है। 15 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान आरोन पिंच को सौंपी गई है, जबकि पेट कॉमिस को उप कप्तान बनाया गया है।
टीम में सिंगापुर के स्टार ऑलराउंडर टिम डेविड को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले आरोन पिंच की अगुवाई में T20 वर्ल्ड कप जीता था, तब टीम में मिचेल स्वेप्सन थे, लेकिन अब उनकी जगह टिम डेविड ने ली है। यही टीम टूर्नामेंट से ठीक पहले भारत दौरे पर 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में डेविड वार्नर को आराम दिया गया है और उनकी जगह कैमरून ग्रीन को मौका दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।